Zee Business, congratulations. Yeah, aapka bank deposit sitting hai. The winner is Zee Business. Make some noise, ladies and gentlemen, for our winners. Congratulations, Zee Business, for investment in good food. Put your hands together for Zee Business, everyone. The Business News Channel of the Year, Hindi. Runner-up, Zee Business. एक ऐसा लंबा वीकेंड जो बेहतरीन रहा जी बिजनेस के लिए और जी बिजनेस के सभी दर्शकों के लिए. एनबा अवार्ड्स में मिला भरपूर सम्मान और जी बिजनेस के कार्यक्रमों की और काम की हुई सराहना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद. सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. आपको बहुत बहुत बधाई सर. कैसे कर लेते हैं आप और हमारी पूरी टीम, मतलब पहले नंबर वन हुए बजट दिन और उसके बाद देखिए अवार्ड्स ही अवार्ड्स मिले हैं ईएनबी अवार्ड्स पर. कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही बढ़िया. सिक्सर पे सिक्सर बोलते हैं ना. बिल्कुल. तो कुल मिलाकर ये कि जो एनबा अवार्ड्स हुए, जिन्हें आप एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े अवार्ड्स हैं देश में, उनमें जी बिजनेस को सबसे ज़्यादा 6 अवार्ड्स मिले. तो ये सबसे बड़ी बात है. हर तरह के कार्यक्रमों में हमारा पार्टिसिपेशन रहा, हर तरह के कार्यक्रमों को एनबा ने सराहा. पूरी की पूरी क्रेडिट इन सारे 6 अवार्ड्स की जाती है जी बिजनेस की यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव टीम को. हमारी टीम यंग है एज के लिहाज से, दिमाग के लिहाज से एकदम जबरदस्त पॉजिटिव और काम करने में जबरदस्त एनर्जी के साथ. और यही आप सब मिलकर जो पूरे साल भर काम कर रहे हैं उसको अवार्ड एनबा की तरफ से मिला. लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद और सबसे ज़्यादा इस अवार्ड के हकदार अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे दर्शक, एकदम जो इन कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनके दम पर ये अवार्ड हमें मिले. हमारा काम तो हम कर ही रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, हर एक शो में करते हैं, लेकिन दर्शकों को क्या पसंद आता है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है. तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद जी की, हमारी सबकी एक्सटेंडेड फैमिली का, हमारे सारे दर्शक, लाखों दर्शक जो हर रोज़ सुबह से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उन इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे शो शुरू हों और कब हम उनसे बात करें. और ये बहुत बड़ी बात है दीप की, अगर एक दिन शो ना करें तो उन्हें बड़ी एकदम से नोटिस आता है. हाँ, किधर है आप? मिसिंग वाली फीलिंग होती है, राइट? तो आपने हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जी, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि आज किसी को आपके दिल में जगह देना इतना आसान बात नहीं. तो हमारे लिए किसी भी अवार्ड से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपके दिल का हिस्सा बने, आपके ड्राइंग रूम का हिस्सा बने, आपके घर का हिस्सा बने, आपके परिवार का हिस्सा बने. इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया एकदम. और ये रिकग्निशन भी आ रहा है सर. और मैंने देखा आप वीकेंड में मार्केट के दिग्गजों, जो न्यूज़ के दिग्गजों हैं, उनके एक पैनल में आप बात भी कर रहे थे और अपने व्यूअर सेंट्रिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात की. और यही एक हाईलाइट है जो एनबा ने भी नोटिस करी है. सर एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे अवार्ड्स तो जीते, एक मिनट से पहले ये जो आपने ना बात की उसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो पैनल डिस्कशन में कर रहा था और हमारे जो मॉडरेटर थे उन्होंने एक सवाल पूछा कि अचानक से आप शो कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज अनहोनी सी हो जाए, अच्छी या बुरी, तो आप इमोशंस कैसे लाते हैं जी? तो मेरा जवाब ये था कि अगर आप इमोशन लाते हैं तो एक्टिंग कर रहे हैं, इमोशन आते हैं तो दिल से आते हैं. हमारे इमोशन दिल से आते हैं, एकदम हम लाते नहीं. और यही हम में और दूसरों में फ़र्क है. जो शो हमारे हैं, जो इमोशंस हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से नहीं. फ़र्क इतना ही है, दिल और दिमाग का. और इसीलिए जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो फिर काम भी अच्छा होता है, और जब काम अच्छा होता है तो वो अवार्ड्स आपके सामने नजर आते हैं. तो आपके दिल के करीब कौन सा अवार्ड? इतने सारे अवार्ड्स भी थे, सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, बट आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन? देखिए दीप,
दो तीन चीज़ें हैं, वैसे तो हर कार्यक्रम में हम मेहनत करते हैं, हर एक अवार्ड हमें अच्छा लगता है, लेकिन इन अवार्ड्स में दो तीन अवार्ड्स जो बेहद स्पेशल है। सबसे ज़्यादा स्पेशल अवार्ड में जो मानूंगा बाजार के लिहाज से, मॉर्निंग शो, ओपनिंग शो, क्लोजिंग शो, फर्स्ट ट्रेड, फाइनल ट्रेड, ये सब चीज़ रोज होती है जी। और उसके हमारे एक फिक्स दर्शक हैं जी, जिन्हें जी बिजनेस देखना है मतलब देखना है जी, ठीक है, वो रोज का काम है, रोज हम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, जो आपके प्यार में दिखता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल जो बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है उसको जो सराहना मिली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरुकुल करने में हमने बहुत मेहनत की है दो तरीके से, एक उसका कंटेंट बनाने में जो कि आम लोगों को समझ में आए, और दूसरा उस कंटेंट को इस तरह से कहने में कि लोगों को यह ना लगे कि आप उसे पढ़ाई कर रहे हो। देखिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी और को पढ़ाना और सिखाना, ठीक है, जो हमने बचपन से देखा है स्कूल में, मतलब मुश्किल से 1-2% स्टूडेंट्स होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेम हमारे यहाँ भी है जी। यहाँ लोग पैसा देकर सीखते हैं, हम चाहते हैं कि बिना पैसा गंवाए आप सीखें। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की जो हमने लंबी सीरीज की वो लोगों को पसंद आई, वो बहुत बड़ी बात है जी। तो उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के हमारे हमने चॉइस ब्रोकिंग के साथ ये प्रोग्राम किया था, 52 हफ्तों तक प्रोग्राम चला, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट के लिहाज से, लेकिन जो वाकई में मेरे दिल के ज्यादा करीब अवार्ड है वो मार्केट के बाहर के हैं। ओके, इवन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल से भी ज्यादा जो करीब है, पहला जो अवार्ड हमें पीएमसी बैंक घोटाले में डिपॉजिटर होल्डर्स की आवाज उठाने के लिए मिला, क्या आपका बैंक डिपॉजिट सेफ है जी, इस मुद्दे को जिस जोर शोर से हमने उठाया, और सबसे पहले हमने कहा था कि आपको डिपॉजिट की जो लिमिट है इंश्योरेंस की उसे बढ़ाना चाहिए, और वित्त मंत्री जी ने बात सुनी, बजट में उसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया, हालांकि वो सफिशिएंट नहीं है, हमारी मांग अब भी है कि और बढ़ाई जाए, लेकिन फिर भी इस मांग पर एक्शन हुआ वित्त मंत्री की तरफ से, इसलिए हम ये समझते हैं कि सबसे करीबी अगर ये सारे अवार्ड्स हमसे हैं, क्योंकि आज आपकी मेहनत की कमाई का पैसा बैंक में, और अगर वो बैंक उड़ जाए तो उसकी दिक्कत, समस्या, तकलीफ क्या हो सकती है वो मैं समझ सकता हूँ जी। तो वो तकलीफ समझकर जो हमने उस वो सीरीज की, वो शो किया, उसको सराहा, वो सबसे मेरे करीब है। दूसरा, कोई भी नया काम करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और एक अवार्ड जो हमें मिला है वो ऐसा करने पर मिला है जो शायद बिजनेस टेलीविजन छोड़िए इस न्यूज़ इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सोचा, एक रोबोट एंकर का प्रयोग मित्री। वो बहुत बड़ा इनोवेशन था, मेरे को याद है जब पहली बार हुआ था तो लोगों को समझ भी नहीं आई कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो सकती है। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता, ये सोच लाना और उसे पर्दे पर उतारना, सक्सेसफुली करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता कि क्या पता हमने इतिहास बना दिया हो। बनाया है सर, डेफिनेटली बनाया है। शायद आज से 10-15-20 साल बाद अगर हम देखें, और पता नहीं आप या मेरी जगह रोबोट से एंकरिंग कर रहे हो, पॉसिबल, नेवर नो, खतरे में वैसे डाल दिया आपके साथ साथ मेरा जॉब भी खतरे में है। आप तो फिर भी यंग है, मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, हैंडसम है, आपको तो जॉब मिल भी जाएगी, मेरा क्या रोबोट आ गया तो फिर नहीं पड़ेगा सर, आप मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि ये प्रयोग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है एकदम, तो समय से पहले सोचना, ये अवार्ड मुझे लगता है कि ये वाकई में एक ऐसा अवार्ड है जो आपको आपका सीना चौड़ा कर देता है। तो इस अवार्ड के लिए भी मैं कहूँगा कि हमारे टीम में से दो मेंबर खास तौर से जिनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, एक श्रेष्ठा श्रीवास्तव जिसने पूरी ये कॉन्सेप्ट बनाकर आपके सामने पेश किया फ्लोलेसली, और एकता का जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ हमें इस तरह से रोबोट को ला करके हम एंकरिंग करवाई जा सकती है, उसको डेवलप करके जिस तरह से आपने पर्दे पर उठाया, पर्दे पर उतारा, वो काबिले तारीफ से। तो मैं कहूँगा कि मार्केट के शोज़, गुरुकुल, सब अपनी जगह ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन वाले प्रोग्राम हमने कही कि इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, रिसर्च गुरुकुल, FNO की पाठशाला, और न जाने क्या क्या, अब एक और नया प्रोग्राम भी आ रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने रखूँगा, आप दंग रह जाएंगे। अरे वाह, तो गुरुकुल सीरीज में ही, हाँ। वो आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। अरे वाह, कि एक गुरुकुल सीरीज में एक और नया और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आने की तैयारी में, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, इसका पहला एपिसोड रिकॉर्ड भी हो चुका है। अरे वाह, तो ये तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन ये दो तीन अवार्ड, और सबसे बड़ी बात जो आवाज हम उठाएं उस आवाज को पहचाना जाए, उस पर एक्शन हो सरकार की तरफ से, और उस बात को अगर सम्मान किया जाए, पीएमसी बैंक घोटाले पर जो डिपॉजिटर होल्डर्स की आवाज जो थी, मुझे लगता है मेरे लिए वो सबसे सेटिस्फाइंग कि अगर लोगों को हम उनका पैसा वापस दिला सकें किसी तरह से, उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती है। और कार्वी के केस में भी ऐसा ही, कार्वी के केस में उम्मीद करते हैं कि अगले साल, आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन मार्केट माफिया को क्यों अवार्ड नहीं मिला,
समय सीमा से बाहर था, वो अगले साल के नॉमिनेशन में जाएगा, तो कम से कम आप अगले साल एक अवार्ड तो पक्का ही मानिए, क्योंकि अगर बिजनेस टेलीविजन के इतिहास में पहला स्टिंग ऑपरेशन हुआ है इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए हाथ से, तो एक और दूसरी चीज़ ये अवार्ड मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, ये अपनी जगह है, अच्छा काम करते रहें, हम बस यही चाहते हैं ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि हमें सही रास्ते पर रखें, अच्छा काम करें, दर्शकों के हित का काम करें, बस इससे हम दाएं बाएं ना हो, डगमगाए ना, बस उतना है। हाईएस्ट अवार्ड्स मिले अब तक कभी इतने सारे 6 अवार्ड्स देखे नहीं दीप, पहली बार सामने देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है और वो प्यार को इस तरह से सम्मान के तौर पर आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ना कि साल भर की थकान ये 6 ट्रॉफीज देखकर दूर हो जाती है एकदम। और हफ्ते की शुरुआत सर फिर इसी गुड न्यूज से करते हैं, हालांकि जो क्यूज आ रही हैं, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं इस समय वो उतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं, खराब है इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों में अब चिंताएं बढ़ रही है, डाउ 2 दिनों में 350 पॉइंट लुढ़का है, फिर से 350 पॉइंट फ्यूचर्स उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 700 अंकों की कमजोरी दिख रही है। पहले मैं आज के ट्रिगर बता दूं, 2 दिनों की ये कमजोरी है डाउ की, कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद थोड़ी धीमी पड़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है, और तादाद बढ़ने से ज्यादा दिक्कत ये है दीप की नए देश जी इसमें शामिल होते दिख रहे हैं, वो चिंता की बात है। इन सब के बीच में कच्चा तेल 3% नीचे आया, लेकिन मैं कभी कच्चा तेल को नीचे देखना चाहता हूं, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो कोरोना की वजह से है, लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं। और आज ट्रंप साहब पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान, अहमदाबाद के मोटरा पर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस जोर शोर से ये तो मुकाबला है ट्रंप और मोदी का एकदम, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, ट्रंप और अमेरिका की जनता उनका जिस तरह का स्वागत करती है, आज अहमदाबाद गुजरात और हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट है, आज आपका इम्तिहान है, दोस्तों के साथ बड़ा दिल दिखाकर दोस्ती दिखाई जाए। तो मैं आप अहमदाबाद के जितने लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूँ, कोई बात नहीं, आज आप हमारा चैनल मत देखिए, छुट्टी, जाइए ट्रंप साहब का दिल खोलकर स्वागत कीजिए, ऐसे मेहमान का स्वागत करना ही चाहिए जो हिंदुस्तान को दिल के करीब रखे। अगर मोदी जी वहां जाते हैं और जिस तरह का स्वागत मोदी जी को मिलता है, जिस तरह का सम्मान उनको मिलता है, उनसे कहीं बड़ा हमें करके दिखाना है ट्रंप साहब को, तो लगे कि हम दोस्तों के दोस्त हैं जी। तो ये आज अहमदाबाद, प्लीज कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दिन आप हमारा शो नहीं देखेंगे, चैनल नहीं देखेंगे, टीआरपी नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज दिखाने का दिन है, दिखा दीजिए बस। बल्कि अभी थोड़ी देर में ही सर हम मोटेरा स्टेडियम जाएंगे और वहां से आपको लाइव विजुअल्स भी दिखाएंगे कि किस तरह का सेटअप है और तैयारी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की। बल्कि सर पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका में एक रैली में कहा था कि 60,000 लोग आए हुए थे उस रैली में, तो उन्होंने कहा कि ये 60,000 तो कुछ भी नहीं, मैं अभी अगले हफ्ते भारत जा रहा हूं तो देखना वहां पर कितने लोग आएंगे, तो अभी कुछ ही देर में मोटेरा भी आपको लेकर ही चलेंगे। बिल्कुल, हम हजारों में बात नहीं करते हैं ट्रंप साहब, लाखों में करते हैं, बस लाखों लोग होंगे आपके लिए और कुछ साक्षात, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो साक्षात आपका स्वागत करने अहमदाबाद पहुंचे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान दिल से ट्रंप साहब का स्वागत करने के लिए तैयार है जी। हम अपनी पलके बिछाए तैयार हैं अपने खास मेहमान के लिए एकदम, तो खास मेहमान की के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। उससे पहले ग्लोबल क्यूज हमने देखा सर, थोड़ी नेगेटिव आ रही है आज, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है? चिंता बड़ी है और दीप ये लगातार हम कह रहे हैं कि चिंता बड़ी है, कोरोना वायरस को लेकर आप हल्कम में मत लीजिए, और साथ ही अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के धीमेपन को लेकर भी जो चिंताएं आती दिख रही है, डबल मार पड़ती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये जो आंकड़े ग्रोथ के आ रहे हैं वो कोरोना के पहले के हैं, तो कोरोना के बाद तो समस्या बढ़ने वाली। एक चीज समझ लीजिए, बीमारी छोटी है या बड़ी है इसमें मैं नहीं जा रहा, जो अब तक दिख रहा है वो तो बड़ी दिखी रही है, लेकिन हमें क्या देखना है, इस बीमारी के दम पर ग्रोथ कितनी प्रभावित हो सकती है। तो लगभग जो सारे बड़े देश हैं उनकी ग्रोथ 20-30% तो कम से कम कम होने वाली है जी। ये साफ नजर आ रहा है और इसका मतलब ये कि आपका साल 2020 बिगड़ गया जी, ग्रोथ के हिसाब से नंबर्स आपके आएंगे नहीं। तो अब चिंता में इसलिए बार बार, जब शुक्रवार को भी हम क्लोजिंग शो कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि लॉन्ग पोजीशन ले जाने का कोई मतलब नहीं, खत्म करिए, शॉर्ट रखिए, 3 दिनों के वीकेंड के बाद आपको अच्छा क्या सुनने को मिल जाएगा, कौन सा 100 पॉइंट एसजेक्स ऊपर दिखा देगा, एग्जैक्टली वो होता हुआ दिखा है, आप 125-150 पॉइंट नीचे है। सो तेजी की पोजीशन नहीं रखने का फैसला ठीक है, और ओवरऑल देखिए ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह के हैं आपको सावधान रहना है, ऊपरी स्तर पर हल्का रहना है, ये चीज़ समझ के चलिए, जल्दबाजी नहीं। मैं फिर आपको ये कहूंगा जल्दबाजी नहीं, शुक्रवार को भी हमने कहा नहीं खरीदना है,
आज भी जल्दबाजी नहीं, आज भी जल्दबाजी। और जिस तरह के सर फंड एक्शन के संकेत आ रहे हैं वहां से भी, फंड एक्शन में एफआईएस के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, सेंटीमेंट नेगेटिव किया है मैंने, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, आज न्यूट्रल हो जाएगा। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 12,000 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर मैं पॉजिटिव हूँ। बैंक निफ्टी में आप पॉजिटिव से हल्का न्यूट्रल साइड पर आ गए, आज ही क्लोजिंग अगर 12,000 के नीचे होती तो फिर आपका ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा। तो गैप डाउन के बाद थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है, मुश्किल लग, मुश्किल लग रहा है। अगर बहुत गैप से नहीं खुले तो जहाँ खुले वहीं से बेचेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो लेवल्स की बात करते हैं पहले सर, निफ्टी से शुरू करते हैं। 12,000-12,050 निफ्टी की छोटी रेंज है। अब आप कहेंगे 12,050 सीधा दिया, 12,080 पर बंद हुए, क्योंकि नेचुरली 12,000 के नीचे खुलेंगे। गलती से 12,000 के आसपास खुल जाए तो वहीं पर आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए। 85 पॉइंट नीचे एसजीएक्स है, इससे दिमाग मत लगाइए। आप 12,080 पर बंद हुए हैं, ठीक है, वहां से आप 11,950 130 पॉइंट नीचे, ये ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी लगभग लगभग 2 पॉइंट के डिस्काउंट पे है, तो जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है लगभग उसी के आसपास, सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कुछ बचा नहीं, तो लगभग वहीं खुलेंगे। तो यानी कि आप इस हिसाब से 125 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। 12,000-12,050 छोटी रेंज, 11,925-12,100 11,925 कहाँ से आया है? बेसिकली 11,900 होता है, और ये 11,900 का लेवल आपने 18 तारीख को 11,908 का छुआ है, तो अगला सपोर्ट वहाँ है 11,900 के आसपास। तो मैं थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर रख लिया हूँ। 11,925-12,100 मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 11,800-12,150 की बनती है। अगला अहम सपोर्ट जो निकल कर आएगा निफ्टी पे, वो 11,750-11,800 का आएगा, अगर आप 11,900 को तोड़ते हैं तो। 11,900 नहीं तोड़ते तब तक आप फिर भी मान सकते हैं आप रेंज बाउंड मार्केट में, जो 11,900-12,200 की रेंज में ट्रेड कर रहा है 300 पॉइंट में। लेकिन अगर 11,900 तोड़ दिया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपकी एकदम। और सर मैं देख भी रहा हूँ, अगर आप ऊपर की रेंज दे रहे हैं तो 50 पॉइंट से बढ़ रही है, पर नीचे की रेंज 100 पॉइंट से गिर रही है। जी हाँ, तो चिंता है नीचे की तरफ ही ज़्यादा आने वाली है। ठीक है सर, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 30,600-30,950 ये बैंक निफ्टी की आज की छोटी रेंज है। जो संभावना है कि 30,700-30,600 के बीच में आप कहीं खुलने चाहिए। 30,500-31,000 ये मीडियम रेंज है, और अगली जो बड़ी रेंज निकल कर आती है वो 30,250-31,100 30,250 मैंने लिया है, 18 तारीख का जो लो बनाया है 30,252 का, जहाँ से हमने बाउंस दिया था लगभग लगभग आप 31,485 तक का जो बाउंस हुआ है, तो एक बार 30,250 तक की जगह खुल जाती है अगर 30,500 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो। ठीक है, जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी थर्सडे को, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस कैरी करी, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए आज? इनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, उन्हें 12,000 के नीचे खुलते ही एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छा, मेरा मानना सिंपल है कि 12,000 के नीचे आपको लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं है। ओके, और बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी 30,700 इसके नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। ओके, जिनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं, गैप डाउन मिला, उन्हें क्या करना चाहिए फिर? शॉर्ट जिनकी पोजीशन है, 12,100 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 12,000 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके फिर लाना होगा 12,000 पर। ओके, अगर 12,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो 12,000 पर लाना होगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस अभी 12,100 मानकर चलिए। ओके, 31,000 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है, वो मान के चलिए। तो दो क्लीन लेवल्स हैं आपके पास, 12,100 और 31,000, जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस के लिए। अब नई पोजीशंस की बात करते हैं सर, किस तरह के बनाए जाएंगे निफ्टी पर पहले शुरू करते हैं? निफ्टी बेचना चाहिए 12,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे की तरफ का टारगेट 12,000 और 11,925 का बनेगा। तो दो टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। ओके, मैंने 11,900-11,925 के नीचे का लेवल दिया नहीं है तीसरा लेवल, क्योंकि फिर सीधा 11,800 होता है, बीच में मेरे पास लेवल है नहीं तो मैंने छोड़ दिया। 11,900-11,925 आप मान सकते हैं ये नीचे के लेवल है। ठीक है, अगर खरीदना चाहें, अगर आप बड़े शुरू एक चांस लेना चाहते हैं तो 11,900-11,925 में एक हल्का चांस ले सकते हैं बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा आपका 11,900 का, सॉरी 11,875 का, ऊपर की तरफ 12,000-12,025 तक के टारगेट मैक्सिमम बस। ओके, पर बिकवाली के लिए वेट करना है और फिर ही ये पोजीशन लेनी पड़ेगी, जब इन लेवल्स पे आता है तभी ये पोजीशंस लेनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर सर किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? बैंक निफ्टी पर आपको पहले मैं बेचने वाला दूंगा, बैंक निफ्टी बेचना है 31,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, नीचे का टारगेट 30,700-30,600-30,500, ये तीन टारगेट छोटे वाले हो गए, 30,500 के नीचे रिस्क खुल जाती है, फिर अगला टारगेट सीधा 30,250 का है। ओके, ठीक है, और खरीदना चाहें, वैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन एक चांस आप 30,500 के आसपास ले सकते हैं खरीदने का। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, बाउंस होना होगा तो वहां से हो जाएगा। 30,600-700-800 तीन टारगेट के लिए ऊपर खरीदना है। ओके,
ये है बैंक निफ्टी पर सलाह। पीसीआर सर वैसे तो उतना एलिवेशन हमने नहीं देखा, 1.4 के आसपास ही थे जब थर्सडे मॉर्निंग को हम बात कर रहे थे। 1.38 से 1.40 आया, थोड़े लॉन्ग तो हैं, आज हल्के हो जाएंगे, विक्स 13.70 के आसपास तो ठीक है, कुछ वहाँ से कुछ ज़्यादा कोई खास संकेत नहीं। ठीक है, एफएनओ सर, येस बैंक अभी भी बना हुआ है पर येस बैंक है, एनसीसी बैंक से 12 आया, ठीक है, कोई खास बात नहीं। येस बैंक के लिए आज कुछ एक आध रिपोर्ट भी है, 25 रुपये का टारगेट यूबीएस ने शायद किया है, 20 तो उन्होंने पहले ही कर दिया। हाँ 20-25 का टारगेट है तो ठीक है, पर ये एनसीसी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रली? पॉजिटिव तो कुछ पॉजिटिव तो है भी आज के मार्केट में, क्या पॉजिटिव है कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो कोई भी सेक्टर भी आज फिर पॉजिटिव नहीं रहे? नहीं, सेक्टर कोई भी पॉजिटिव नहीं है, मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, ऑटो कमजोर दिख रहा है, बैंक्स और एनबीएफसी कमजोर दिख रहे हैं, लगभग सारे हैवी वेट्स आपके दबाव में। आज एक भी सेक्टर लाल निशान में ना रहे, हरे में रह जाए तो उसका अचीवमेंट मानिए। अच्छा, आईटी भी परेशानी कर सकते हैं, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, तीन थोड़े बहुत अगर खरीदारी स्टॉक स्पेसिफिक दिखा दे तो अलग बात है, क्योंकि लीवर वगैरह मजबूत दिख रहे हैं वो सब है, तो लेकिन ठीक, मतलब वो अचीवमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो हरे निशान में नहीं आ सकते, वो अचीवमेंट होगा अगर ये आते हैं तो। ठीक है सर, एक बात है, आपने एफआई न्यूट्रल रखा है बट एक बड़ा बाय फिगर देखने को मिला था थर्सडे को, थोड़े मेरे ख्याल से ब्लॉक डील्स थी उसकी वजह से, काफी सारी हुई है बट ऐसी बड़ी कुछ भी नहीं थी, डील्स काफी सारी हुई थी, डील्स काफी, इसी वजह से 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा आया है। मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, मैं एफआई वालों का मूड है ना वो कंसिस्टेंटली नहीं दिख रहा खरीदारी करने का, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर 750 करोड़ के बेचे, स्टॉक फ्यूचर 100 करोड़ के खरीदे, तो आंकड़े वैसे तो पॉजिटिव साइड पे है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो गुरुवार के है, आज हम सोमवार में आज देखते क्या होता है, घरेलू फंड ने 700 करोड़ की बिकवाली की है तो वो आंकड़े नेगेटिव साइड पर है, तो वहां से ज्यादा चिंता आ सकती है। ठीक है, जिस तरह से वायदा कारोबार के संकेत आ रहे हैं एफएनओ में, देखिए दीप, 12,000 के नीचे जाने में एक बड़ी समस्या है, क्या समस्या है वो बता दूं, 12,000 के पुट पे है 40 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, 12,100 पर 19 और 12,200 पर 12, 40, 50, 60, 70, जैसे ही आप 12,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे 70 लाख शेयर पुट राइटर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है ये आ जाएंगे तनाव में जी, और इनको अब पोजीशन हल्की करनी है, एक्सपायरी का अफ्तर मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिए मंथली एक्सपायरी के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन 12,000 के नीचे शुरुआत करना अच्छा संकेत नहीं है। अब फिर क्या होगा, दिक्कत मालूम किया गया, अब 12,000 ही आपको माउंट एवरेस्ट लगने लगेगा, इसके इस पर कैसे चढ़ूं जी, एकदम है ना, तो 12,000 फिर आपको बड़ा लेवल लगने लगेगा, तो इसलिए 12,000 के नीचे खुलते आपके लिए रिस्क खुल जाती है, उस रिस्क पर आपको फोकस करना है, पॉइंट नंबर वन। ओके, 12,000 के नीचे जो अगला अहम सपोर्ट है वो 11,900 के आसपास, अहम तो नहीं, छोटा मोटा जो सपोर्ट है वही है, तो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल 12,000 ही है, पॉइंट नंबर वन। अब आइए बैंक निफ्टी में, 31,000 लगभग बराबर, अच्छा बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 31,000 के ऊपर निकलेंगे तो ही आप थोड़े ठीक है, पॉजिटिव है। नीचे 30,500 अगला अहम सपोर्ट है, 5 लाख शेयर है, वो वहाँ पे आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे 30,500-30,600 की रेंज में, वो रुक गया तो ठीक, वहाँ से निकले तो आपको 250 पॉइंट और गिरना है। आपको याद होगा पिछली बार भी जब 30,250 तक का फॉल आया था तब मैंने यही बोला था 30,500 के नीचे सीधा 30,200 तक की रेंज खुलती है, और मिनटों में आप आ गए थे एकदम, हालांकि आज मिनटों में नहीं आओगे, लेकिन 30,250 तक की रिस्क आपके लिए नीचे खुलती हुई नजर आती है एक्सपायरी तक, एक्सपायरी तक ये दो रिस्क बड़ी खुल रही है। अगर आज हम एक खराब क्लोजिंग देते, क्लोजिंग में बढ़ जाए तब तो ठीक, अगर हम एक खराब क्लोजिंग देते हैं आज तो फिर एक दिक्कत ये होगी कि आप 11,800 और 30,200-30,250 की तरफ एक्सपायरी तक बढ़ सकते हैं, ये रिस्क है, तो आज क्लोजिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है, आज क्लोजिंग अच्छी होनी, क्लोजिंग 12,000 के आसपास हो जाए, ऊपर हो जाए तो राहत है, 12,000 के बहुत नीचे मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए, बैंक निफ्टी पर 30,500 के आसपास या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, क्लोजिंग ठीक होनी बहुत जरूरी है। दिन में ठीक है, गिराना है गिरा दो कोई बात नहीं, चलो सब कुछ खराब 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 है बेच दो, लेकिन नीचे में क्लोजिंग में प्लीज ऊपर आ जाना। चलिए आशा करेंगे थोड़ी रिकवरी है क्लोजिंग की तरफ, पर सेंटिमेंट इस समय थोड़ा नेगेटिव लग रहा है और स्टार्टिंग में तो वीक रहेंगे। बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की, बताइए सर, बेचना है मैक्स फाइनेंशियल, अब इस पे है ना राय बटी हुई मिलेगी लोगों की, आज दो तीन ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे भी हैं जिन्होंने खरीदारी की भी राय दी है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और जितना यूबीएस नोमरा के बोलने पर ऊपर आए उतना दबा के बेचिए ये इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक्सिस बैंक के साथ हम तो सोचे थे कोई इक्विटी की डील होगी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक टाइप हुआ है जी, तो अब वो इक्विटी डील आगे करेंगे नहीं करेंगे कब करेंगे मुझे नहीं पता, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो खुद अनिलजीत सिंह साहब वैल्यूशन बोल रहे हैं उस वैल्यूशन के हिसाब से तो मैक्स फाइनेंशियल का भाव यहाँ से 15-20% नीचे होना चाहिए जी, अगर वो वैल्यूशन ही गिना जाए तो ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री,
आपका होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जाने वाला नहीं है जी। पॉइंट नंबर फोर, एक तरफ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, इस कंपनी में 25% हिस्सेदारी एक जापान की कंपनी की है, मित्सुई सुमितोमो, ठीक है। जापान के प्लेयर बड़ा पैसा और लंबे के समय के लिए पैसा लगाने के लिए जाने जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में इक्विटी मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन सबसे कम किसी को है तो वो जापान के, है ना जी। वो बेचारे इतने अच्छे लोग हैं कि पॉजिटिव रिटर्न आए ना तो भी अच्छा समझते हैं जी। मतलब वो 8-10-15% वाले में तो है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाले कंट्री में अगर उनको आप 2%, आप देखो ना हमारे बुलेट ट्रेन को 100 साल के लिए 0% पे फंड करें, वहां बैंक में पैसे रखने के लिए पैसे लग जाते हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अब जापान का खुद जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है मित्सुई सुमितोमो 25% स्टेक रखता, उसको नहीं लेना इस भाव में, नहीं तो 49% तक तो सरकार ने अलाउ कर रखा ना जी। तो अगर भाई सबसे पहले तो अंदर वाला लेना, अगर इतना कॉन्फिडेंस कंपनी के बिजनेस में या कंपनी के वैल्यूएशन पे है तो अंदर वाला क्यों नहीं ले रहा, और उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं जी। सुमितोमो तो चाहे जितना हर जगह लगा रहे हैं, मित्सुई है साथ में जी। तो मेरा ये मानना है कि जब खुद एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो 25% होल्ड कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो 49% जा सकते हैं, वो नहीं ले रहे, तो आप एक्सिस बैंक जैसे को थोड़ी बहुत, ठीक है आप उनका नेटवर्क यूज कर लेंगे, करा लेंगे पॉलिसी बेचने करने में, वो सब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों इस पर टारगेट बढ़ाए हैं, मेरी समझ के बाहर है। जितना ऊपर खुले हरे निशान में खुले, आँख बंद करके बेचिए, जितना ऊपर खुले बेचिए। 595 रुपये ये हाई था गुरुवार का जी, 595-600 पे स्टॉप लॉस लगा लिए, उसके ऊपर खुले तो मत बेचिए, बाद में चाहे इवेंचुअली अगर ऊपर खुलेगा तो ये नीचे जाएगा, मेरा ये मानना। और मेरा मानना ये 545, 530, 515 ये तीन टारगेट है जो आपको मैक्स में देखने को मिलेगा। मैं फिर कहूँगा मेरी राय कॉन्ट्रा है, दूसरों से अलग है, ठीक है, कोई खराब नहीं बोल रहा, इवन FIs खराब नहीं बोल रहे हैं, बाकी एनालिस्ट, मैं अलग राय रखता हूँ। और अलग राय रखने में एक बड़ी रिस्क ये होती है गलत पढ़ने की भी, और दूसरा बड़ा फायदा होता है कि सबके सामने सही पढ़ने का जी। लेकिन मेरा एनालिसिस है, ये मेरा फंडामेंटल एनालिसिस है, प्राइसेस अपनी जगह हो सकती है, तो आप अपनी रिस्क देखकर उस हिसाब से ट्रेड करें। 595-600 रुपये मुझे नहीं लगता इसके ऊपर किसी हालत में जाना चाहिए, स्टॉक डिजर्व नहीं करता ये डील बिल्कुल, मतलब ऐसा कहें कि जिस हिसाब से स्टॉक भागा था ना वो गर्म तवे पे एकदम पूरा पानी डालना नहीं, वो बर्फ की सिल्ली रख देना है, वैसा वाला मामला है, इतना मूड खराब किया। तो बेची तो अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। मैक्स फाइनेंशियल ये रहेगा आपका स्टॉक ऑफ द डे, 595 जो कि प्रीवियस हाई है, वहां पर आपको एक स्टॉक लॉस लगाना है, ठीक है। देख लेते हैं बाकी कौन से स्टॉक्स आज खबरों में हैं, काफी सारी खबरें आई हैं, 3 दिन का वीकेंड था, हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, संदीप, मानसी, कुशल और साथ ही देवांशी भी हमारे साथ हैं बताने के लिए कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में और ब्रोकरेज की रिपोर्ट कहाँ पे आ रही है। संदीप आपसे शुरुआत करते हैं, कौन से है वो अहम ट्रिगर्स और डिविडेंड को भी लेकर काफी सारे ट्रिगर्स आज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अदीप, सबसे पहले आज जिसके नतीजे आने वाले हैं उसमें लिंडे इंडिया है, इस पर आपको नजर रखनी है, और जो नतीजे ओवर द वीकेंड है अंबुजा सीमेंट जिसके Q4 CY19 के रिजल्ट आए हैं, नंबर्स अगर आप मार्जिन को छोड़ दे तो नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। आय 3,136 करोड़ आई है, 2,863 करोड़ से बढ़कर 3,054 करोड़ का अनुमान था। अबिड्डा का नंबर हम अनुमान करते 538 करोड़ आएगा, 547 करोड़ आया है, 404 करोड़ से बढ़कर आया है, मार्जिन 17.5% के करीब आए हैं, 14% से बढ़कर 18% का अनुमान था। तो मार्जिन को छोड़ दीजिए, बाकी नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 336 करोड़ आएगा, 455 करोड़ आया है, घटकर आया है 537 करोड़ से, लेकिन उतना नहीं घटा है जैसा हम अनुमान कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स अच्छे कहने चाहिए, लेकिन A to Z इंफ्रा इसके भी नंबर्स आए हैं Q3 FY20 के, ये नंबर्स खराब है, कंसो आधार पर 42% इनकी आय घटी है, 82% इनका कामकाज मुनाफा घटा है, 3.3 करोड़ आया है, मार्जिन जो कि 7.5% के ऊपर थे वो 2.25% रह गए, और जो घाटा 1 करोड़ के आसपास का। चलिए आप NMDC इनकी जो एक डायमंड माइन है पन्ना मध्य प्रदेश में, उसकी जो लीज है उसे 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, तो NMDC के लिए सब पन्ना पढ़ रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, पन्ना बोल रहे हैं कुछ, कोई पनामा बोल रहा है। अच्छा, ये है तो हिंदुस्तान में नहीं? हाँ, MP हिंदुस्तान में वाला पनामा है ना, अगर MP में सर, मध्य प्रदेश में है सर, मध्य प्रदेश कर दो इसको, हाँ, ना पन्ना ना पनामा, मध्य प्रदेश कर दो ज्यादा बढ़िया। हाँ, तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में तो पन्ना ही है। हाँ, वही भोपाल के आसपास। हाँ, भोपाल, भोपाल वाले कौन है? अच्छा, पूजा है, ओके, ठीक बात। आगे बढ़े तो जो डिविडेंड्स की बात आप कर दी, उसमें बजाज ग्रुप की जो डिविडेंड्स पे बैठक थी उसमें बजाज ऑटो के लिए 120 रुपये, बजाज फिनसर्व में 5 रुपये, बजाज फाइनेंस में 10 रुपये, बजाज होल्डिंग में 40 रुपये,
और महाराष्ट्र स्कूटर्स, यहाँ पे 50 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की गई है। कुछ और खबरों की बात करें तो सनफार्मा, यहाँ पे इनके लिए खराब खबर आती हुई दिखी है। सेबी ने जो जांच करी उसमें लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों में गड़बड़ियाँ मिली हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इनकी एक ग्रुप कंपनी है आदित्य मेडिसेल्स, उसके साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं वो नहीं डिस्क्लोज किए गए, उसके बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो फंड डाइवर्जन है उसके भी इल्जाम लगाए गए थे फिसल ब्लो की ओर से, उसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियम, इसको लेके गड़बड़ियां पाई गई हैं, ये बात साफ तौर पे सामने आती हुई देखिए। बड़ा आज लाइफ में कंफ्यूजन है, इसे अच्छा समझा जाए कि खराब? सर ये तो क्योंकि खराब ये है कि लिस्टिंग नियमों में और डिस्क्लोजर नियमों में गड़बड़ी है, तो वो तो खराब है, उसके लिए तो सेबी ने साफ साफ कह दिया। अच्छा ये कि जिस वजह से स्टॉक 400 रुपए पर है, वो 42,000 करोड़ के डाइवर्जन के इन पे आरोप लगे थे, उस पर कुछ नहीं कहा गया, ठीक है? ये मतलब उस पर कोई डिसीजन ही नहीं है कि वो गड़बड़ियां थी या नहीं थी, ठीक है? तो जिनको अच्छा समझना वो ये मानकर चल रहे कि नहीं आया, इसका मतलब अच्छा, और जिनको ये लग रहा है कि खराब समझना है वो ये कह रहे हैं भाई कि उस पर तो कुछ बोला नहीं, जिस पर बोला वो खराब है। आपको जो समझना आप समझिए, मतलब मैं भी ईमानदारी से बोलूँगा, अब वो समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है स्टॉक एक बार पॉजिटिव रिएक्ट कर जाए, क्योंकि वो 42,000 करोड़ वाला मामला बड़ा था। हाँ। और उसी की वजह से स्टॉक 400 पे आ गया, तो एक बार हो सकता है स्टॉक चल जाए, तो ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आज क्या होता है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें कंपनी ने भी कहा है कि अभी तक इनको कुछ ऑफिशियली कुछ भी इन्फॉर्मेशन सेबी की ओर से नहीं मिली, लेकिन हाँ ये सूत्रों के हवाले से खबर आपके सामने है। डॉक्टर रेड्डीज एक और फार्मा कंपनी है, डुवाडा विशाखापट्टनम में इनकी जो इकाई है उसकी जांच हुई है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई, यानी कि क्लीन चिट मिली है इनको, तो ये एक पॉजिटिव खबर है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। एल्कम लैब्स, इनकी जो बद्दी इकाई है, बद्दी प्लांट है, उसकी जाँच हुई थी, उसमें 2 गड़बड़ियाँ पाई गई, तो एल्कम लैब्स के लिए आज दिक्कत हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक और फार्मा कंपनी है सोलारा एक्टिव फार्मा, इसकी पुदुचेरी और मैंगलोर इकाई की USFDA ने जाँच की थी, और दोनों ही जो प्लांट्स हैं, जो इकाइयाँ हैं, उनमें जाँच में कोई भी दिक्कत, कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ओके, तो काफ़ी सारी फार्मा स्टॉक्स खबरों में हैं, और कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, बट ऐसी खबरें मानसी के पास भी हैं। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत टेलीकॉम स्टॉक से करेंगे, आज फोकस पे रहेंगे क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को राहत देने के लिए कल ही एक बैठक हुई। आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार की कोशिशों पर भी बातचीत हुई, और एक और खबर है सरकार AGR के अलावा बाकी बकायों को टाल भी सकती है, तो इस खबर के चलते टेलीकॉम स्टॉक्स पर एक बार नजर रखें। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर्स को FDI से मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सरकार की आपको बता दें कुछ मंजूरी बाकी होने की वजह से इस डील को की डेडलाइन को बढ़ाया गया था, और अब आज एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में इसी मंजूरी पर चर्चा होने की पूरी संभावना है, तो इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा इंडिगो, जेट स्टार और सिडनी बेस्ड कंतास एयरवेज के साथ कोड शेयरिंग अग्रीमेंट के लिए बातचीत कंपनी की जारी है, और अग्रीमेंट के तहत कोड शेयरिंग अग्रीमेंट की अगर बात करें तो एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन की सीटें बेच सकती है। अब ये 1-way कोड शेयरिंग अग्रीमेंट होगा या 2-way ये देखना होगा, लेकिन इंडिगो ये बातचीत जरूर दोनों कंपनियों के साथ, दोनों एयरलाइंस के साथ कर रही है, जिस पर फोकस रहेगा। टोबैको इंडस्ट्रीज पर फोकस रखे, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री तंबाकू खाने की कानूनी उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 21 करने पर गंभीर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री द्वारा घटित लीगल सब ग्रुप ने रूल्स के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है, तो काफी जरूरी है यह, और इसी पर फोकस है। बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी समेत 7 प्रोडक्शन हाउसेज IT विभाग के जांच के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल TDS की कटौती में कमी के चलते जांच हुई और इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो इसकी वजह से फोकस रहेगा। रेटिंग एक्शन, इंडिया बुल्स हाउसिंग इकरा ने लंबी अवधि की रेटिंग AA+ से घटाकर AA की है, आउटलुक यहां पर स्टेबल रखा है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज केयर ने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म की रेटिंग को क्रेडिट वॉचलिस्ट की श्रेणी में डाला है, और अंत में PNB हाउसिंग क्रिसल ने लॉन्ग टर्म रेटिंग डाउनग्रेड की है, रेटिंग AA+ से घटाकर AA कर दी गई है। काफी सारे रेटिंग रिविजन्स वहां पर हैं, कुछ डाउनग्रेड्स भी, बट ऐसी कुछ और खबरें कुशल के पास है, और साथ ही फंड एक्शन भी, काफी सारा फंड एक्शन भी हमने देखा कुशल। बिल्कुल दीपांशु, और गुड मॉर्निंग आपको, और यहाँ पर सबसे पहले रेटिंग एक्शन देखिए आप, प्रिंस पाइप्स का इनके लिए पॉजिटिव आई है। केयर ने लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो इनकी BBB+ से बढ़ाकर A- कर दी है, और उनका जो रीज़न है इसमें सबसे बड़ा वो यही है कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता हुआ नजर आया, और डेट कवरेज रेशियोज़ में भी जो है सुधार आता हुआ नजर आया। इसके अलावा अरविंद फैशंस नेगेटिव है यहाँ पर रेटिंग जो है, केयर ने लंबी अवधि की जो है घटाकर A- कर दी है, और ये मान रहे हैं कि कंपनी का जो इनका कारोबार है उसमें लगातार घाटा आ रहा है, और ये ज़्यादा डिपेंडेंट है
कर्ज लेने पर और उससे बिजनेस चलाने पर। साथ ही फंड एक्शन है जिसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की पॉजिटिव फंड एक्शन है। WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है 564.34 रुपये के भाव पर। और प्रमोटर एक्शन है जैसे कि आप बता रहे थे काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। नाथ बायोजींस के लिए पॉजिटिव है। प्रमोटर आकाश फार्म्स ने 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है 370 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। दिक्सन टेक नेगेटिव है। प्रमोटर सुनील वचानी ने करीब 2.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है 4,308.82 रुपये पर। शोभा के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। प्रमोटर रवि मेनन ने 28,000 शेयरों की खरीदारी की है 19 फरवरी को। जेंजा टेक के लिए पॉजिटिव है। प्रमोटर ने करीब 3.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 18 से 19 फरवरी के बीच। आरती इंडस्ट्रीज नेगेटिव है। प्रमोटर ने 34,000 शेयर बेचे हैं 17 से 18 फरवरी के बीच। और अंत में सांगी इंडस्ट्रीज इनके लिए पॉजिटिव है। प्रमोटर आदित्य संगी और आलोक सिंगी ने 13 लाख शेयरों की खरीदारी की है 19 से 20 फरवरी के बीच। ओके, तो ये है ढेर सारा एक्शन प्रमोटर्स की तरफ से, खरीदारी भी और बिकवाली भी। लेकिन ब्रोकरेजेस कहां खरीदारी और बिकवाली की दे रहे राय, आइए देख लेते हैं FIR। और FIR के लिए तैयार है देवांशी आज हमारे साथ। देवांशी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज एक्शन में, रिपोर्ट्स ढेर सारी हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं सर। सबसे पहले आप देखिए मैक्वायरी की आज नेगेटिव रिपोर्ट आई है बैंक्स पर। इनको क्लियरली दो चिंता जरूर बनती हुई दिख रही है। सबसे पहली चिंता है जो क्रेडिट कॉस्ट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है ऐसे माहौल में, और इसके चलते इनके जो EPS है सारे बैंक्स के, इस पर असर जरूर होता हुआ दिखेगा। और साथ ही जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कई दशकों के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते ये दूसरी बड़ी चिंता मैक्वायरी को है सारी बैंक्स पर। इसी के चलते उन्होंने 3 बैंक्स के जो EPS का अनुमान है वो भी घटा दिया और लक्ष्य घटा दिया है। इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं लेकिन 1850 से घटाकर अब 1558 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। PNB 55 से घटाकर 30 है, 1850 से कम किया है जी, कम किया है 1558। अच्छा 1558 ये टारगेट, ठीक करिए हाँ 1558 जी, ये 1850 1558 टारगेट है, ठीक है। PNB अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है और इन्होंने भी अपने जो लक्ष्य है वो 55 से घटाकर 30 कर दिया है। साथ ही येस बैंक आप देखिए 50 से घटाकर 25 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है, और साथ ही उनका मानना है कि केनरा बैंक के जो EPS का अनुमान है इन्होंने 30% तक घटा दिया है। PNB के EPS का अनुमान करीब 59% तक घटा दिया। तो कुल मिलाकर आज नेगेटिव रिपोर्ट ओवरऑल मैक्वायरी की तरफ से आते हुए दिख रही है। अंबुजा सीमेंट्स नतीजे आए थे वीकेंड के दरमियान, और आप देखिए जो नतीजे अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे थे, वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर थी। इसके चलते सिटी ने अपने खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, अपने जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है 270 से बढ़ाकर 285 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि वॉल्यूम और लागत के चलते कामकाजी मुनाफे में काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। जो तीसरे तिमाही में हमने प्रेशर देखा था वो अब रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे जो प्रेशर्स हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 245 तक के टारगेट्स को मेंटेन किया है। मैक्वायरी न्यूट्रल है, नोमरा भी न्यूट्रल है, और मैक्वायरी 219 तक के टारगेट्स दे रहा है। सबसे कम अंबुजा सीमेंट पे टारगेट्स इनकी तरफ से हैं। साथ ही एक्सिस बैंक पर आज रिपोर्ट आई है, जो मैक्स फाइनेंशियल के साथ उनका करार हुआ है वो एक्सिस बैंक के लिए भी मॉर्गन सैंडी को लगता है कि पॉजिटिव है। ओवरवेट की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा और 925 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मानते हैं कि इससे ओवरऑल उनका जो बैंक इंश्योरेंस फ्रेंचाइजी है और लाइफ इंश्योरेंस का जो कारोबार है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट शेयर में बढ़त होती हुई दिखेगी, और साथ ही उनका मानना है कि मैक्स लाइफ में निचले वैल्यूएशंस पर एक्सेस हिस्सा खरीद सकती है, जो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है उनको। और मैक्स फाइनेंशियल पर नोमरा और UBS की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे नोमरा ने 550 से लक्ष्य बढ़ाकर 700 तक का कर दिया है। UBS भी खरीदारी की राय दे रहे 650 से लक्ष्य बढ़ाकर 700 कर रहे हैं। इन दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस का मानना है कि लंबे समय से ये करार चल रहा था लेकिन अब ये जो ओवर हैंग है ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़त आती हुई दिखेगी और मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। भारतीय इंफ्राटेल और ओवरऑल टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्रेडिट स्विस की आज रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जो इंडस टावर के साथ मर्जर को सरकार ने मंजूरी दी है। ये सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। वोडा आइडिया के लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि वोडा आइडिया का 11.5% तक की हिस्सेदारी है, और इससे वोडा आइडिया को 4,700 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख सकते हैं अगर हिस्सेदारी बेचते हैं। साथ ही भारतीय एयरटेल इनकी फेवरेट पिक है टेलीकॉम सेक्टर में। HSBC की इंडसइंड बैंक पर आज रिपोर्ट है, जहां पे खरीदारी की राय है लेकिन इन्होंने लक्ष्य घटा दिया है, 2000 से घटाकर 1825 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। इनका मानना है कि एसेट क्वालिटी में चिंता है, और साथ ही अगले CEO की नियुक्ति किस तरह से होती है, कौन होता है, इसको लेके भी काफी ज्यादा ओवरहैंग बनता हुआ दिख रहा है, और इसी को लेके थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। आखिर में मॉर्गन स्टैनली की टाटा पावर पर रिपोर्ट है, जहां पे 63 तक के टारगेट्स दे रहे हैं, इक्वल वेट रेटिंग है। इनका मानना है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा उससे कई ज़्यादा बढ़त हम कुछ ही दिनों में टाटा पावर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी के चलते 63 तक के टारगेट्स दे रहे हैं।
ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। आइए करते हैं शुरुआत एक्शन की। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ इस वक्त हैं, अरे श्रीकांत जी आप तो दोपहर में आते हैं आज सुबह सुबह, क्या बात सर, इनिंग कंटिन्यू करेंगे। वाह, गुरुवार वाली। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और कैनेडा से हमारे साथ शुभम जी हैं, और पूछ लेता हूँ एक बार कैनेडा पहुँच गए ना, हाँ ओके। और राकेश जी और कुणाल जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, जयपुर वाले जैन साहब भी, आप सबका स्वागत। बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी, बताइए सर, खरीदना है बेचना है? देखिए जैसे ग्लोबल मार्केट्स है और जैसे सिंगापुर निफ्टी अभी वीक दिख रहा है, और लगता है मुझे कि शायद 100-125 पॉइंट का अगर वीकनेस अगर रियल में अगर रहता है मार्केट के लिए, और जैसे क्रूड प्राइसेस में गिरावट देखने मिली है, तो मुझे लगता है कि हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट हो सकता है, या तो जैसे भी आज जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो ओवरऑल जो फोकस रहेगा वो उन्हीं स्टॉक्स पे रहेगा जहाँ पे किधर ना कोई अगर शायद फॉरेन पार्टिसिपेशन आए या इन्वेस्टमेंट्स हो। तो मुझे लगता है BPCL एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे फोकस करें। भारत पेट्रो करंट लेवल से उसके 471-472 के, शायद अगर वीकनेस में मिले तो ये स्टॉक 470-468 के करीब मिले तो लिया जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है इसके इमीडिएट लोस का, वो थे 455 के, और टारगेट्स जो रखने हैं वो रखने हैं हमें 510 के। मतलब है करनी खरीदारी है? खरीदारी करनी, क्योंकि 100-125 पॉइंट अगर नीचे मिले तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा इंडियन इक्विटीज़ के लिए, और जब तक 11900 का लेवल डिसिसिवली ना ब्रेक हो, शायद गैप डाउन मार्केट खुले, शायद ब्रेक हो, लेकिन वहाँ पे सस्टेन होने का कोई मुझे स्कोप नहीं लग रहा है। ओके, 471 यहाँ पर है क्लोजिंग, 455 का स्टॉप लॉस लगाना, 455 का स्टॉप लॉस रखना है, ये कैश के लेवल से अनिल जी। हाँ, और टारगेट्स भी काफी बड़े रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सौदा एक दो दिन के लिए रहेगा। ओके, तो टारगेट्स रहेंगे 510 के। ओके, BPCL कैश। ओके शुभम जी, गुड मॉर्निंग, कनाडा सही सलामत एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सही सलामत पहुंच गए हो, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज है लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, क्लाइमेट चेंज में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाजार की सेहत तो वैसे ही खराब है। सर वैसे कनाडा में गर्मी है इस समय, 9 डिग्री है वहाँ पे टेम्परेचर, यूजली -20 रहता है, तो उस हिसाब से गर्मी है उधर आज। ओह, गर्मी मानी जाएगी? गर्मी मानी जाएगी, 9 डिग्री है। हमें सुन के ठंड लग रही है भाई। बताइए गर्मा गर्म स्टॉक आपका शिवम जी। आई थिंक संदीप जी आपने आगे माइनस का साइन नहीं देखा, 9 नहीं है, -9 डिग्री, -9 -9 डिग्री है, तो फिर विंटर्स है, लेकिन विंटर्स अभी कुछ समय के लिए और रहेगा, उतना -20 वाला नहीं है लेकिन -9 तो भी है। हमारा तो माइनस मतलब माइनस, फिर कितना ही रखो ना। चलिए बताएं सर। अनिल जी आज जो मेरा स्टॉक है वो शॉर्ट की सलाह है, और ऑयल मार्केटिंग में जो एक अंडर परफॉर्मर है IOC, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ से और थोड़ा सा गिरावट आता हुए दिख सकता है। तो अगर हम IOC को देखें तो यहाँ पे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट में इवन दो BPCL ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, वही सामने HPCL और IOC ने काफ़ी निराश किया है, और अभी भी यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे शॉर्ट बिल्ट होते हुए दिखे थे, और लास्ट ट्रेडिंग डे को जिस तरह से थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखा, मुझे लगता है वो ब्रेकडाउन के इंडिकेशन है। तो एक पुट ऑप्शन के थ्रू हम ये पार्टिसिपेट करेंगे, 110 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन IOC का, जो 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे खरीद के चलेंगे। स्टॉप लॉस 0 पे होगा बिकॉज एक्सपायरी वीक है, तो प्रीमियम वैसे भी कम है, और 2.5 रुपये तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो IOC में 110 रुपये वाला पुट ऑप्शन खरीदना है, ठीक है खरीद लिया, ये मिल रहा है 75 पैसे में, तो पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहे, ये भी ठीक है, और स्टॉप लॉस तो फिर 75 पैसे में क्या लगाना है, 2.5 रुपये का टारगेट, परफेक्ट, मजा आएगा सर, एक तरफ पुट एक तरफ BPCL खरीदने की राय, वंडरफुल इंटरेस्टिंग। आइए अब बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पिक से पहले मेरा छोटा सा अनिल जी अपडेट है जी। बजट के टाइम से अनिल जी गोल्ड को रिकमेंड कर रहे हैं। यस, तो गोल्ड अनिल जी $100 बढ़ चुका अनिल जी उन स्तरों से, बहुत बहुत बधाइयां। हमारे पास जो आपके पास जो हमारा गोल्ड को इनका गिफ्ट रखा हुआ है उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही, जब भी डिलीवर होगा हम उसी प्राइस से मान लेंगे। बधाइयां सर, बधाइयां, क्या गजब का कॉल गोल्ड का, मान गए बंसल जी, वाह। गोल्ड और आपका सिल्वर भी बढ़ गया? सिल्वर भी बढ़ रहा है अनिल जी, और अभी आज मैं पिक ऑफ द डे नहीं दूंगा अनिल जी, नोटा का बटन नहीं अनिल जी, मैंने खोज कर ली है। हाँ, थोड़ा सा शोध अनिल जी उस पे और कर रहा हूँ अनिल जी, अगर वो सक्सेसफुल होता है वाह, तो वो मेरा टॉप पिक ऑफ 2020 बनेगा, तो जुड़े रहे अनिल जी जी बिजनेस के साथ।
मैं तो जुड़ा हुआ हूँ सर मैं तो जुड़ा हुआ आप भी जुड़ा। अच्छा ये दर्शकों के लिए भाई बंसल जी ने कहा आप सब लोग जुड़े रहिए जोड़ तो देखो बंसल जी और एक मिनट आप देखिए सामने जो छः छः ट्रॉफी दिख रही ना आपको ये जोड़ तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है हमारे दर्शकों के साथ हमारा बिल्कुल तो आप चिंता ना करें ये जोड़ मजबूत है अब आपने बोल दिया तो और भी मजबूत तो बंसल जी को दिया जाता है आज इसी खुशी में नोटा का ऑप्शन। कुणाल जी कभी नोटा का इस्तेमाल नहीं करते और मुझे उम्मीद है आज भी नहीं करेंगे। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग आपको और अनिल जी सबसे पहले आपको विशेष बधाई आप दिल्ली आए 6 अवार्ड लेकर के वापस मुंबई लौट गए तो इसके लिए अनिल जी आपको विशेष बधाई। यहाँ पर दिल्ली में बहुत चर्चा है कई सारे अवार्ड अनिल जी ले गए हैं तो शुक्रिया जी आपको विशेष बधाई जी बिजनेस की पूरी टीम को बधाई। बिल्कुल आपको सारे हमारे एक्सपर्ट्स जितने आते हैं आपकी वजह से ही हम बजट पर नंबर भी वन भी बने आप लोगों की वजह से ही ये अवार्ड्स हैं तो दर्शकों को हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्पेशली आप लोगों को। हाँ अच्छा इस बीच हम मिस कर रहे हैं वागले साहब को तो बाय द वे मैं बता दूं आप वागले साहब आपको मिसिंग दिख रहे हैं तो वागले साहब इस पूरे हफ्ते छुट्टी पर है स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं उनके आँख का छोटा सा कोई ऑपरेशन उन्हें करवाना तो इसलिए इससे पहले कि आप ट्विटर पर वागले साहब कहाँ हैं बोचार कर दे मैंने कहा मैं सामने छुट्टी में नहीं दिए चिंता मत करिए तो वागले साहब हफ्ते भर छुट्टी पर है जी। कुणाल जी आप बताइए। अनिल जी एक सवाल पहले तो ये है कि ये जो जितने सारे अवार्ड आपको मिलते हैं इनको आप रखते कहाँ हैं मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इतने सारे अवार्ड हो जाते होंगे आपके पास कोई आपने तहखाना बना रखा है कोई विशेष कोई ऐसा ट्रेजर ट्रव है जहाँ रखते हैं कहाँ रखते हैं। चलिए इसकी भी आज तस्वीर डाल दी जाएगी कहाँ रखे हुए हैं ये खुलासा आज कर दिया जाएगा। वैसे कुछ कुछ लोगों को तो अंदाजा है मेरी तस्वीरें जो देखते हैं लेकिन फिर भी आज फाइनल खुलासा हो जाएगा कि अवार्ड कहाँ रखे जाते हैं। आपने सही सवाल पूछा आज आपको पता चलेगा कि ये अवार्ड्स आपको कहाँ दिख सकते हैं राइट दीप बता दीजिए बता दिया जाए। चलिए ठीक है आज बताएंगे एक फ्रेम में फिट नहीं होगा आपको थोड़ा वाइड एंगल लेना पड़ेगा उसका। ये बात तो सही है मैं आज जब है ना मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था ये सारे अवार्ड्स लेके मैं सोच रहा था रखूँगा कहाँ दिमाग कहाँ एडजस्टमेंट करनी चाहिए फिर ये लग रहा था कि जो मेरी कैबिन में मेरी कुर्सी के पीछे जो शोकेस बना हुआ है इसमें से कुछ निकालने पड़ेंगे क्या कुछ निकाल के हम अलग रख देते हैं वो मुंबई में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन जगह की चलती है दिमाग वही चलता है। तो चलिए कुछ बड़ा कुछ बेहतर हो रहा है एक्सपेंशन करना पड़ेगा एक्सपेंशन करेंगे बिल्कुल करेंगे जी। कुणाल जी बताइए सर। अनिल जी देखिए आज मेरे पास कोई पिक नहीं है लेकिन मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज अनिल जी ये है कि एक बड़ा लेवल ब्रेक हो गया है और ये बड़ा लेवल जो है अनिल जी ये 60 रुपए का स्तर था पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक 15 साल के बाद पहली बार फरवरी के महीने में 60 रुपए के नीचे बंदी देने जा रहा है और ये एक बहुत ऐतिहासिक ब्रेकडाउन होगा अनिल जी। मुझे लगता है कि पीएनबी में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मेरा अपना टारगेट इसमें 25 रुपए का है तो मुझे लगता है कि 25 से 30 रुपए के लक्ष्य आपको पीएनबी में देखने को मिलेंगे। और अनिल जी ऐसा ही ब्रेकडाउन रिलायंस इंफ्रा में हुआ था जब उसने 325 रुपए के लेवल को तोड़ा था। 15 सालों के बाद रिलायंस ने उस स्तर तोड़ा था रिलायंस इंफ्रा ने और उसके बाद उसमें 20-25 रुपए के रेट आए थे। पीएनबी में भी उतना ही बड़ा भयावना ब्रेकडाउन हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अनिल जी जो शेयरधारक है उनको सावधान रहने की राय है और इसमें शॉर्ट इसलिए नहीं कर सकते अनिल जी क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा 62 रुपए का रखना पड़ेगा जो कि अभी के भाव से बहुत ऊंचा है तो शॉर्ट ना करें लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो मेरी राय में एक बार निकल जाना बेहतर है। ओके है तो निकल जाएं ये ज्यादा ठीक रहेगा। जैन साहब गुड मॉर्निंग बताइए सर अपनी पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी पहले तो इतने सारे अवार्ड्स के लिए वाकई में हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बड़ी बात और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रखने की जगह तो है ही है इम्पोर्टेंट साथ साथ जब आए होंगे फ्लाइट में तो आप तो गए होंगे कैबिन बैगेज के साथ तो साथ में एक बक्सा भी लेके गए थे क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ या फिर टीम वाले सब एक एक करके डिवाइड करके लाए हैं। एक्चुअली ईमानदारी की बात बताऊं नहीं देंगे इतने अवार्ड्स को। एक्चुअली ईमानदारी की बात बताऊं आपको मैं तो ऐसे खाली हाथ गया था सीधी सीधी बात मतलब मैं सुबह वाली फ्लाइट ली थी और मैंने कहा मैं रात की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा तो मैं कुछ भी लेके नहीं गया लेकिन ये दूरदर्शिता दिमाग स्वाति का था। स्वाति पीछे से आई थी ये अवार्ड लेने के लिए और स्वाति एक खाली बैग लेके आई थी पूरा बाकायदा हालांकि उनकी भी जो साइज का बैग वो लाई थी कैबिन बैगेज लाई थी बड़ी मुश्किल से उसमें भी हमने भरे इसे लेकिन ये तो उन्हीं का दिमाग था उनकी लाएंगे कैसे यही फर्क होता है हम लोग वो सोचते नहीं है
जो हमारे टीम की फीमेल मेंबर्स हैं वो हमारे से ज़्यादा दिमाग लगाती है, ज़्यादा सोच लेती है आगे की। तो आपका आइडिया बिल्कुल सही था, ये स्वाति नहीं होती तो लाना मुश्किल होता, कुरियर से मंगवाने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं ये इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ कि कई बार क्या होता है जब आप जाते हो ना, जैसे यूएस जाते हो तो यूएस में क्या शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है, तो मेरी वाइफ भी एक बार खाली बक्सा साथ में ले गई थी कि बोले उसमें भर के ले आएंगे, तो वैसा ही शायद अब आपके साथ भी हुआ है कि देखिए आपकी टीम मेंबर ऐसे लेके गई है, सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये देखिए सर्टेनली फीमेल्स में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ एक सामने आ गई है अब। एनीवेज तो बट अनिल जी एक और चीज, मैं इंट्राडे विजिट क्यों किया, बीटीएसटी तो करते हैं एटलीस्ट, कुणाल जी और राकेश जी वहां पे है, सुबह गए शाम को आ गए, बीटीएसटी करते एटलीस्ट एक दिन रात को रुकते तो और ज्यादा बेहतर होता। अभी के सेलिब्रेट करने अभी के मार्केट के माहौल को देखते हुए मैंने सोचा कि ओवरनाइट पोजीशन रखना ठीक नहीं है। ठीक बात है अनिल जी, एनीवेज बहुत ज्यादा समय ले चुका हूं मैं, बट जो मेरी पिक्स है देखिए, मैंने बाजार अगले हफ्ते किया था लास्ट वीक थर्सडे को, तो ऑलरेडी वीकेंड पे काफ़ी बार वो चले भी थे, वो स्टॉक्स के बारे में जिक्र हो चुका था, एआईए इंजीनियरिंग है, शेफलर इंडिया है, प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड है, ये तीन स्टॉक्स के अलावा, वो तीन तो है ही है इंटैक्ट अब उसके, क्योंकि उसके बाद मार्केट खुला ही नहीं है, तो अब उसके अलावा जो स्टॉक है वो है CDSL। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में बहुत बड़ी धूम मचेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे भी या सारे ब्रोकरेजेस एक्स्ट्राऑर्डिनरली एग्रेसिव हो रखे हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग को लेकर, क्योंकि रीज़न ये है कि आप देखिए जिस तरीके से SBI कार्ड्स का IPO आ रहा है, एक बहुत बड़ा एक यूफोरिया हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ब्रोकरेज हाउसेज के लिए तो अच्छा है ही ये IPO, CDSL इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, तो CDSL ऑलरेडी काफ़ी बार रिकमेंड कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी CDSL और चलेगा, क्योंकि उसके बाद LIC का IPOs है लाइंड अप, बहुत सारे अच्छे अच्छे IPOs है, तो ये जो फाइनेंशियलाइजेशन को लेकर, फिर NSE का IPO है, तो ये सब को लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक डीमैट अकाउंट का एक सैलाब आएगा, जन सैलाब, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी CDSL होगा, और 325 का टारगेट पहले भी दिया था, मुझे लगता है आज तो अच्छा चलेगा ही। दूसरा फिनोलेक्स पाइप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक पे भी बिल्कुल ध्यान दिया जाए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कजारिया सेरामिक्स, जो कि सेरामिक्स में और सैनिटरी में मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स रहता है हमेशा, तो तीन स्टॉक्स है CDSL, फिनोलेक्स पाइप्स, कजारिया सेरामिक्स। ओके, तो इन तीन शेयरों पर रखिए आप नजर।